हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग टेक में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हम ज्यादातर इंटरनेट यूज करते हैं आजकल के दिनों में, और 1.5 GB डाटा जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही जल्दी से आसानी से खत्म हो जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स, कि आप कैसे अपने 1.5 GB डाटा को आसानी से, बहुत ही आसानी से पूरे दिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी आपका इंटरनेट डाटा बचा का बचा रह जाएगा और आप आसानी से उसको यूज करते जाएंगे और वो जल्दी खत्म नहीं होगा। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मोबाइल का डाटा कितना आसानी से, कितना जल्दी खत्म हो जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, थोड़ा भी हमें अनुभव नहीं रहता है कि कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से ये खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी ट्रिक पे होगा, काफी जरूरी है आपके लिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे लाइक बटन दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, और यहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको तो आपको जरूर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और यहाँ पे बेल पे क्लिक करके ऑल पे, ऑल नोटिफिकेशन पे आप सेट कर लीजिए इसको, ताकि हम जब भी वीडियो लाएं आपके लिए, आप तक पहुंचती रहे। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर देना है, इंटरनेट टिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको, सेटिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटो अपडेट एप्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे क्लिक करना है, ऑटो अपडेट एप्स, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स यहाँ पे तीन सेटिंग खुल के आएगा, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट एप्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डन कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप फोन यूज कर रहे होते हैं, तो आपका एंड्रॉइड एप्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके फोन में बैकग्राउंड में अपडेट होने लगते हैं, जिससे कि हमारा डाटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और बैटरी भी उससे खत्म होता है। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे आके सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, और डन कर देना है। और नेक्स्ट ट्रिक जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफी जरूरी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। अगला सेटिंग ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, अपने सेटिंग में आपको आ जाना है, अपने फोन के सेटिंग में। यहाँ पे हम अपने सेटिंग में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है फ्रेंड्स। नीचे स्क्रोल करके आपको यहाँ पे एप्स का ऑप्शन दिखेगा, आप सभी के फोन में होता है, तो यहाँ पे आपको एप्स पे क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। एप्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने सारे एप्स आ जाएंगे आपके फोन के, जो भी आपके फोन में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको फ्रेंड्स, ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको एप्स दिखेंगे। तो इनमें से फ्रेंड्स उस एप्स पे क्लिक करना है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस पर हमने क्लिक कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब इस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले पे दिख रहा होगा मोबाइल डाटा, यहाँ पे मोबाइल डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल डाटा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज, यानी कि फ्रेंड्स जब हम अपना फेसबुक यूज करते हैं और उसको कट करके रख देते हैं, तो भी वो अपने बैकग्राउंड में डाटा को कंज्यूम करते रहता है हमारे फोन का, और डाटा इसमें फिनिश होता रहता है हमारा, और ज्यादा से ज्यादा इसमें डाटा चला जाता है हमारा। तो इसको हमें क्या करना है, ऑफ कर देना है और इसी तरह से बैक आ जाना है। यहाँ पे देखिए और भी सारे एप्स हैं जो ज्यादा आप यूज करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। आप चाहे व्हाट्सअप, यूट्यूब, जो भी यूज करते होंगे ज्यादा, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से मोबाइल डाटा पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज, इसको क्या करना है, ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड में डाटा यूज नहीं होगा और आसानी से आपका डाटा बच जाएगा। ये दोनों बहुत ही जरूरी सेटिंग्स है आपके लिए फ्रेंड्स, तो इसको आपको अपने फोन में करके रखना है। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फोन में होते हैं, तो उन सभी को इस तरह से सेट करके रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये ट्रिक कैसा लगा आप सभी को? अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने डाटा को आसानी से बचा पाएंगे। आप यहाँ पे एक ही दिन ऐसा करके देख लीजिए फ्रेंड्स, आज करके देख लीजिए, और अगले दिन से आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा और आपका डाटा अच्छे से बचता रहेगा। 1 GB डाटा आपका जल्दी फिनिश नहीं होगा, और आसानी से आप सारा काम भी कर लेंगे, जो भी चलाना होगा चला लेंगे, और आपका डाटा बच जाएगा और परेशान नहीं होंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बहुत ही जरूरी वीडियो आप सभी के लिए, जो कि आपके लिए हमेशा यूज में आएगा, और आप करके देखिएगा, आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, जिसको कि मैं खुद ही यूज करता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए उसको अलाउ किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।